वेलकम टू हेयर स्टाइलिंग। आज की वीडियो में मैं आपको ये स्पेशल कट बेबी फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। ये वन पीस पे ही कट होने वाली फ्रॉक है। इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। ये मैं तकरीबन 3 बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ। इसकी लेंथ जो है 28 इंच है और इसकी विड्थ जो है 22 इंच है। जब इसको डबल करेंगे तो ये 44 इंच है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ साइड है। इसके बाद ये ओपन साइड वाला फैब्रिक ऊपर की साइड फोल्ड करूँगी ट्रायंगल शेप में। ये देखें, इस तरीके से फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लूँगी। देन इसके बाद जो है सबसे पहले शोल्डर मार्क करूँगी। 4 इंच पे मैं शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इसको कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल की मेजरमेंट करूँगी। मैं तकरीबन 5 इंच जो है आर्म होल पे मार्क करूँगी। और इसका चेस्ट साइज़ जो है 8 इंच है। ये तकरीबन 3 बेबी गर्ल के हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। ये आर्म होल की देखें, मेजरमेंट करने के बाद इसको कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसकी शेप आएगी आर्म होल की। अब इसके बाद जो है ये मेरी जो बैक साइड है फ्रॉक की, इसको राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें, मेरी इसकी लेंथ जो है 24 इंच है, तो यहाँ पे भी 24 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 24 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से फ्रॉक को राउंड शेप दे लेंगे। अब इसके बाद जो है नेक की मेजरमेंट करूँगी। 2.5 इंच जो है नेक की विड्थ लूँगी और तकरीबन 3 इंच जो है इसकी लेंथ लूँगी। इसको राउंड शेप दे लेंगे। बैक साइड पे 1.5 इंच जो है लूँगी और 2.5 इंच इसकी विड्थ होगी। इसके बाद जो है बैक नेक कट कर लेंगे और इसके बाद फ्रंट नेक को कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसकी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से इसकी शेप आई है। अब इसके बाद इस तरीके से फैब्रिक को उल्टी साइड पर फोल्ड करने के बाद शोल्डर पे सिलाई कर लेंगे और नेक पे फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो है मैं स्लीव्स की कटिंग आपको बता दूं। ये मैंने स्लीव्स कट की हैं। इसकी लेंथ जो है 13 इंच है और जो इसकी विड्थ जो है 8 इंच है। इसको इसके अकॉर्डिंग रखने के बाद मार्क कर लेंगे और कट कर लूँगी। हल्की सी गुलाई दूंगी बस। ये देखें, मेरी स्लीव्स इस तरीके से कटिंग कर ली है इसके बराबर ही। अब देखें, मैंने सेंटर में से सिलाई कर ली है और नेक को फोल्ड कर लिया है और शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब लास्ट में मैं जो है इसकी स्लीव्स अटैच करूँगी इसके साथ। ये देखें, ये सेंटर में से सिलाई होने के बाद इसकी इस तरीके से शेप आएगी। अब इसके बाद जो है हम स्लीव्स अटैच करेंगे इसके साथ। सबसे पहले जो है मैं स्लीव्स तैयार कर लूँगी। ये देखें,
स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है, आगे से स्लीव्स को फोल्ड कर लिया और यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। जितना मेरा आर्म होल है 5 इंच, इतनी ही मैंने स्लीव्स को सिलाई लगाई है और इसको इसके बराबर रखकर राउंड शेप में सिलाई कर लेंगे। और नीचे जो है मैं इस फैब्रिक की फ्रिल लगाऊंगी और मेरी फ्रॉक बनके तैयार है।